हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय गंगासिंह। देखिए, मैं थोड़ा निकली हूँ बाहर सूरत के लिए। थोड़ा मुझे काम है, थोड़ा सामान लाना है। मैं रात तक वापस आ जाऊँगी, क्योंकि कल कहते ना पूर्णिमा की रात है, आप सबको शक्तियों के दर्शन कराने हैं। सब लोग ने कल मेरे किसी को डाला था मेन्यू कार्ड, शक्तियों का मेन्यू कार्ड, तो उसने मजाक बना दिया कि होटल खोल लो। अरे मैं होटल नहीं खोल रही हूँ। एक आप कोई भी चीज़ खरीदते तो उसकी कहते ना चीज़ों की वैल्यू पता चलनी चाहिए ना। अगर हम आपको कुछ सिखा रहे हैं तो छोड़ो, जिसको शक्ति लेनी है लेंगे, नहीं लेनी नहीं लेंगे, वो उनके ऊपर है। मुझे ज़्यादा उस बारे में बहस करना पसंद नहीं है। फिलहाल कल है शक्तियों का दिन, सामान आज आ जाएगा। थोड़ा सामान मैं लाने जा रही हूँ, ऐसे मेरा मूड भी ऑफ था, थोड़ा मैं निकल गई। हाँ, कल रात को एक कारनामा ज़रूर हुआ था। मेरे घर के पास ही मैक्सिस मॉल है। मेरा बेटा कल पिक्चर देखने गया था, तो अपनी बाइक लेके गया था। किसी ने बड़ी हिम्मत की, अब कि जिसने भी हिम्मत की उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बाइक पे स्क्रैचेस मार दिए, थोड़ा डैमेज कर दिया। और मुझे पता है किसने किया है, मुझे पूरी तरह से पता है वो चीज़ किसने की है। मुझे नाम भी पता है और उसको 72 घंटे में सज़ा भी मिल जाएगी, और ऐसी वैसी नहीं मिलेगी, बहुत गंदी और बहुत भयानक सज़ा मिलेगी। क्योंकि मेरा कैसा कहना मालूम है, छुप के वार नहीं करने का, सामने से आके वार करने का। दम है ना तो सामने से लड़ो, ये फालतूगिरी करके कुछ साबित करने जैसा है नहीं, है ना। आज मैंने आपको सच बोलूँ ना कि मैं 17-18 मार्च आता तो ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब होता है कि फिर से वही दिन याद आता है। तो आज मैं ऐसे ही अपने भतीजे मोहित को लेके निकल गई कि मैंने चलो अपन जरा का सामान भी लेके आते हैं, और थोड़ा दिन भर कुछ काम भी नहीं है, थोड़ा बाहर जाके आती हूँ। क्या होता है मालूम है, थोड़ा सा हर्ट होता है इंसान ना तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ये होता है ना, जैसे अभी आज मैंने अपनी बा को कॉल किया था, मैंने ये बताने के लिए कि देखो ना बा, किसने इतनी हिम्मत की मेरे बेटे की गाड़ी को, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि शायद मेरे बेटे पे अटैक था। तो ऐसा गलती तो करना है नहीं, क्योंकि देखो मैं बात बताऊँ, मुझे या मेरे बच्चों को या किसी को भी कुछ हुआ ना, तो मेरे को इतने नाम तो मालूम है कि आराम से उन पे, क्योंकि क्या है ना, 2-4 लोगों ने ये चीज़ पकड़ के रखी कि कुछ भी होगा तो आरिफ शेख करेगा या उसके ग्रुप वाले करेंगे। तो ये मैं खुला बोलती हूँ कि उतनी तो उसकी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो ये चीज़ करेगा, क्योंकि उसे ऑलमोस्ट जो गलती की उसी के लिए वो पछता रहा है अभी तक। तो उसके नाम के सहारे भी अगर कोई कोशिश करने को देखेंगे तो मुझे पता है कि कौन है क्या है, तो जब मुझे नाम लेना पड़ेगा तो सबके सब चक्की में पीसेंगे, है ना। तो आज मैंने अपनी बा को फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा है, हाजिदा को भी फ़ोन किया, तो बा बोली कि माँ कुछ नहीं, नाम का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि वो बंदा तो यहाँ है ही नहीं, वो बंदा तो अपनी परेशानी में परेशान है, वो तो खुद ही छूटते फिर रहे। ठीक है, तो मेरी बा को फोन किया, मेरी बा बोली चिंता क्यों कर रही है, अभी मैं बाल भोग चढ़ाऊँगी शाम तक, देखो जिसने किया होगा खुद ब खुद वो उसको सज़ा मिलेगी, बेफिक्र रहे। तो ऐसा फिर माँ ने तो कुछ ऐसा बता दिया ना कि मेरा एकदम मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खसक गई। मेरे को कहा, क्योंकि उसने जो बताई ना पंडित वाला बात हुआ था, मुझे एक्चुअली कैसा ना, केशव के पापा को जानती नहीं है, वो केशव के पापा को बोलती है दाढ़ी वाला दामाद। तो मुझे बोलने लगी कि दाढ़ी वाला दामाद है, उसने तूने स्पीकर ऑन रखा था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, सामने बैठा था इसलिए कुछ बोला नहीं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहो। मेरी क्यों बा, क्या हो गया? तो बा ने कहा कि बस कुछ हुआ नहीं, मतलब ये है कि अपने घर का भेद मत दो, क्योंकि तुम्हारे घर का भेद जब सामने वाले को पता चलता है सामने वाला खुश होता है। जब जिस दिन उस पंडित ने उसको फ़ोन पे ये बताया कि पेट में तो कुछ है ही नहीं है, बच्चा नहीं है, ऑपरेशन होने वाला है, ये मरने वाली है, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि चलो बला टली। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बोलते प्यार करते हैं लेकिन नाराज़गी भी है ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये बार बार मेरे परिवार के लिए यूट्यूब पर बोलती रहती है, करती है। देखो पहली बात बताऊँ, विद्या देवी को शौक नहीं किसी के लिए गलत बोलने का, गलत तो तुम सब लोगों ने मिलके किया है यार मेरे साथ। नशे की दुनिया में डाला, फिर वो किया, आई थिंक केशव के पापा ने मुझे बचाया, मैं उनको लिए गलत नहीं बोलूँगी, उन्होंने ही बचाया, लेकिन बहुत सारा कुछ गलत हुआ है। एक बच्चा मेरे पेट में था, मेरे पहले मुझे नाजायज़ बोला गया है, नाजायज़ बच्चे की माँ ये वो, बगैर पति की हुई प्रेगनेंट, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ बोला गया है। तो जब तुम लोग प्यार है तो तुम लोग को बुरा क्यों लग रहा है?
और जहाँ तक रहा, मैंने कभी किसी बच्चे के लिए तो गलत कहा नहीं है। हाँ, जो है सो है। देखो विद्या देवी ना आज अपनी जर्नी में इतने सालों में अगर किसी इंसान के लिए बोल दी कि ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत ही निकलता है, हमेशा निकलता है। अक्सर वही इंसान गलत निकलता है जिसके लिए हमने सोचा नहीं रहता है। और मैंने आज तक जिस भी औरत के लिए, जिसके लिए भी जो कहा है वो सच है तो सच है। मेरी गलती है कि मेरी बातें सबको कड़वी लगती है, सबको लगता है कि मैं ऐसी बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आदत है बोलने की। जैसे ये भी बात बोल दी मैंने, मुझे बस एक बात है, देखो मैं एक बात बताती हूँ। छोटी थी ना 7 साल की उम्र में, तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था, लेकिन घर में कुछ ऐसा था कि मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं हाइट की छोटी औरतों से बहुत नफरत करती हूँ। अब वो क्यों करती हूँ मैं बताऊँगी नहीं। 7 साल की उम्र से अपना घर संभाल लिया था घर में स्कूल भी जाना, घर में घर का काम भी करना, दो छोटे भाई बहन को संभालना 7 साल की उम्र से। घर में बाहर था क्योंकि मेरी मॉम थोड़ा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, बाहर ही बाहर रहती थी। तो 7 साल की उम्र में ही 2 बच्चों की माँ बना दिया गया था, मतलब 2 छोटे भाई बहन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। 16 साल की उम्र में शादी करवा दी गई एक ऐसे आदमी से जिसको जो ना मुझे पसंद था, एक 10 साल मेरे से 10 साल बड़ा आदमी, जो ना मुझे एक आँख भाता था, ज़बरदस्ती उसको मेरी ज़िंदगी में लाया गया और उसको बोला गया इससे शादी करनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, एक शादी एक सपना होता है। मेरी शादी के दिन तो मुझे ठीक से ना नहाने दिया गया है ना तैयार होने दिया गया, एक झापड़ पे क्या रे क्या तुझे इधर रहने ही पड़ी है। तो शादी एक आदमी का सपना होता है, लेकिन मेरा वो सपना भी बहुत बुरी तरीके से रोंदा गया है पैर के नीचे। सिर्फ पैसे फेंके गए हैं, फालतू में पैसे फेंके गए हैं। नर्सरी कोई मतलब नहीं था, ऐसे नहीं बोलूँ, बोली ना मैं बचपन से बहुत पैसे वाले घर की लड़की रही हूँ, ऐसे कोई भिखारी घर की बच्ची नहीं हूँ मैं। मुझे याद है कि शायद मेरा जब गौना भी था ना, गौने के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मैंने श्रृंगार के लिए भी कैसा, उस वक्त कैसा मिडिल क्लास थे ना, मतलब सॉरी पैसे वाले थे, लेकिन उस वक्त कैसा हमारे में कैसे यूपी में रहता था, बैग भर के साबुन दे दिया, बैग भर के पाउडर टिक्का दे दिया और बैग भर के सामान, मतलब मुझे, मैंने शायद अपनी मॉम से पैसे मांगे थे उस वक्त कि मुझे श्रृंगार लेना है अपने लिए, थोड़ी मेकअप का सामान लेना था। उस वक्त मुझे याद है मुझे सिर्फ 500 रुपये मिले थे कि जाओ इसमें जो आता है ले लो, ऐसा। तो भी मैंने कुछ नहीं कहा, चलो वो जर्नी जाने दो। फिर ज़बरदस्ती एक आदमी के साथ मुझे 19 साल बिताना पड़ा, 23 साल की उम्र में 3 बच्चों की ज़बरदस्ती माँ बना दी गई, मेरी मर्जी ना जानी ना बूझी कुछ नहीं, और बोलते हैं कि प्यार नहीं था। देखो 16 साल की लड़की को क्या पता कि आदमी क्या होता है, 18 साल की लड़की को एक 24 साल के आदमी के, मैं जब 16 साल की थी तो मेरे मिस्टर कुछ 24 साल के थे, समझ लो 18 साल के, 26-27 साल के आदमी से 10 साल आदमी बड़े आदमी से शादी करवा दी गई। अब वो आदमी मुझसे जो भी मनमानी करे क्या करे, वो उसमें मेरी मर्जी तो चलेगी ना, मुझे थोड़ी ना पता था आदमी क्या होता है, प्यार क्या होता है। उसके बाद अचानक से विद्या देवी ने अपनी जर्नी शुरू की, धीरे 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 आगे बढ़ी, कैसे कैसे करके अपने पैरों पे खड़ा की, बहुत स्ट्रगल करके एक यूट्यूब की जर्नी तक आई, लोगों को यात्रा करवाया कामाख्या का ये वो। अचानक से मेरा पैसा मेरा दुश्मन बन गया, मेरे अपने ही मेरे पीछे पड़ गए मारने के लिए, उसमें शामिल भी मेरे ही घर के लोग हो गए, मेरा ही खुद का पति शामिल हो गया, जिसकी वजह से बाद में मैंने उसे तलाक भी दे दिया। अब ये कोई बात मानेगा नहीं, बार बार बोलूँगी तो यही बात बोलेंगे आपने क्यों, आप बच्चे थे क्या। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको खुल के बता दी, मुझे जब सबसे पहले जब मेरे पास ना बहुत पैसा आता था, आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे घर में 10-10, 20-20 लाख पड़े रहते थे, मेरे अकाउंट में 40-50 लाख रुपए ऐसे मंथली आते थे, पड़े रहते थे बाहर गांव से और काम। बीच में जब ये लॉकडाउन हुआ उसके पहले ही बीमार पड़ी, इसलिए नशे में अगर नहीं जाती तो विद्या देवी को कोई डगमगा नहीं पाता। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, हद से ज़्यादा मोटी थी, आपने देखा होगा मेरी पहले की वीडियोस। तो किसी ने मेरे दिमाग में डाला कि ऐसा कुछ ऐसा नशा वशा लेते ना तो आदमी पतला होता है, बस उस पतले होने के चक्कर में मुझे वो सब चीज़ें पता भी नहीं थी, मुझे कोई शौक नहीं था। धीरे धीरे बोला गया दिया गया। एक बार मुझे याद है कि मेरी एक कलीग थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, वो कलीग और जिसने मुझे सबसे पहले नशा दिया था उसका भी नाम मुझे याद है, उसने मेरे हाथ पे ज़बरदस्ती इंजेक्शन के ज़रिए वो चीज़ दी थी। बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल भी किया था वीडियो निकाल के, बाद में वो लत डाल दी गई। आपको पता है ये लत बहुत गंदी होती है। फिर जिस आदमी ने मुझे आरिफ से मिलवाया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये वीडियो मेरी सब देखते हैं,
वो आदमी से मिलाया गया, बाद में आरिफ शेख को मिलाया गया, पहले भी उसी से लाया जाता था सामान, उससे मिलवाया गया, फिर अचानक से वो भाई बन के ज़िंदगी में आया, उसके बाद केशव के पापा मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे बचाया, मुझे उन लोगों से मरने से बचाया। आज जब मेरी माँ ने ये बात कही ना कि तेरा प्यार ही चाहता है कि तू मर जाए, वो ये उसको विश्वास ही नहीं है कि बच्चा है, वो सिर्फ तेरी खूबसूरती से प्यार करता है, तुझसे प्यार करता है प्यार, लेकिन तेरी खूबसूरती से, तू उसे सब कुछ देती है, दुनिया की सारी खुशी देती है, लेकिन जब ये बात आती है ना, जब उसके घर तक बात आती है तो वो खुद भी सोचता है कि हाँ भगवान करे ये मर जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए। तो मुझे आज इतना बुरा लगा जब ऐसा सुनी ना मैं, तो मुझे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई। मैं भी अपने मोहित से, मेरे बेटे से वही बात करते चल रही थी, तो वो बोल रहा था, देखिए ये बातें मैं इसलिए यूट्यूब पे बोलती हूँ कि मन का जहर निकल जाना अच्छा है, जहर निकल गया तो मैं आगे थोड़ी फ्रेश रहूँगी, क्योंकि कल मुझे बहुत बड़ी पूजा पूरी करनी है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि अगर जब मुझे मारना ही था और चाहते ही थे कि मैं मर जाऊँ, तो बचाया क्यों, नहीं बचाना चाहिए था, मार देते, मरने देते, नशे में क्या जा रहा था तुम्हारा, चले जाते ज़िंदगी से जैसे चले गए थे, तुम्हारी माया मैडम ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। देखो क्या होता, माने मैं किसी को जब सच्चा प्यार मिलता है ना, तो उसको उसकी कदर नहीं होती। मैंने पूरी लाइफ में अपने, मैं आपको सच बोलूँ ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में केशव के पापा से ज़्यादा मैंने किसी से प्यार नहीं किया आज तक, किसी से नहीं। ना मुझे सोने चांदी का शौक़ है, ना मुझे सिर्फ साड़ियों का शौक़ है, मैं सिर्फ साड़ियाँ बहुत पहनती हूँ, ना मुझे किसी चीज़ का शौक़ है, ना मुझे गहनों का शौक़ है, ना वो ज़्यादा शौक़ है मुझे। अगर पूरी दुनिया में अगर मेरी सबसे फेवरेट चीज़ होगी ना, सबसे फेवरेट चीज़, तो मेरे केशव के पापा थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि बे इंतहा प्यार करने के बाद वो आदमी भी उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये है कि अब ये मेरे लिए बोझ है, क्योंकि मैं ना उनको पर ज़्यादा इरिटेशन करती हूँ, इससे बात क्यों किया, उससे बात क्यों किया, ये क्यों किया। अभी जैसे झूठ नहीं बोलूँगी, कल भी उनके यहाँ जो लफड़ा हुआ, लफड़ा होने पर जो उनका जीवन साथी था उन पर ध्यान, उसने उस पर ध्यान दिया क्या, नहीं दिया ना, ध्यान मेरा था ना पूरा, खाना खाया कि नहीं खाया, परेशानी हुई। देखो वो जो कांड हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, वो कांड उन लोग की वजह से हुआ है, वो जगह अनलीगल थी, बहुत पहले से बोला जा रहा था हटो हटो हटो, वो चीज़ तो होनी थी। कहाँ गए वो दिग्गज, कहाँ गए वो जो क्या नाम है उसका, मस्के वस्के कहाँ गए, बड़े बड़े महारथी घूम रहे थे, ये कर देंगे, वो उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे। देखो जगह उखाड़ने से नहीं होती। मैंने कल भी अपने केशव के पापा को ये समझाया कि अगर आपको अपनी मम्मी के वहाँ पे नहीं रहना है जाके, मैं पैसे देती हूँ, आप अच्छी जगह पे मस्त घर लो और रहो ना, ले लो कहीं भी रेंट पे घर, अच्छी जगह रहो, बच्चा भी अच्छे से रहेगा, सब अच्छे से रहेगा, आपको चिंता किस बात की है। लेकिन जब आज सुबह मुझे पता चला मेरी, क्योंकि देखो जहाँ पे वो एरिया में रह रहे हैं ना, वो एरिया वाले ज़बरदस्ती उनको रोक रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये रुकेगा तो ज़बरदस्ती, क्योंकि एक उधर सब चूतिए लोग एक नंबर के, वो चूतिए लोग चाहते हैं कि ये हमारे साथ बना रहे, ये भी बना रहेगा तो रहेंगे। अब ज़बरदस्ती, मैंने कहा है अपने पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, अच्छे से रहो। लेकिन जब आज मुझे मेरी माँ ने बताया कि कोई केयर नहीं, कुछ नहीं है, तू अपने घर की बातें मत बता, मैंने बोला मैंने तो आज तक कोई प्रॉब्लम मैंने कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की, तो उन्होंने कहा कि तू कोई प्रॉब्लम शेयर मत कर, अपने घर की बेटियों को भी बोल के अपने घर का कोई भी बात कभी भी उसके सामने मत कर, क्योंकि वो बात से वो इंसान खुश होता है, उस बात का वो मज़ा लेता है। अभी समझ लो ये वाला कांड भी किसकी वजह से हुआ, मन में माया मैडम की वजह से। 2 साल पहले भी ये कांड माया मैडम की वजह से हुआ था, इस बार भी माया मैडम की वजह से हो रहा है। अब सोचो मैं क्या सज़ा दूंगी, मैं तो ऑलरेडी 2 साल पहले की दुश्मनी अभी निकाल रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, और सबसे बड़ा कांड उस पंडित की वजह से हो रहा है। मतलब उस पंडित ने जानबूझ के उनके दिमाग में डाला, मेरी माँ ने बोला देख बच्चा जिस दिन होगा ना, बच्चा तो होना ही है, बच्चा तो अपना है सही सलामत, बच्चा जिस दिन होगा ना वो खुद ब खुद उस आदमी को रियलाइज़ होगा कि मैं कितना बड़ा गलत था। लेकिन जब मुझे बुरा लगा है सुन के कि जब वो इंसान बच्चा चाहता ही नहीं है, तो मैं उस इंसान को लेके क्या करूँगी, मुझे ये बात है। देखो एक बात बताऊँ, मरना अगर इंसान चाहता है कि मैं मर जाऊँ ना, तो मैं चाह के भी मर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा ये होने वाला बच्चा है। मेरा हनी है ना, चार साल पहले हॉस्टल चला गया था, तो वो जगह खाली पड़ गई थी, क्योंकि मुझे मेरे हनी की बहुत गंदी आदत थी। वो जगह खाली होने की वजह से केशव के पापा की एंट्री हुई उस जगह को भरने के लिए, वो भर गए वो जगह। अगर मेरा हनी हॉस्टल नहीं जाता ना, तो ये जगह कभी खाली होती ही नहीं, और कभी ये जगह फिर से भरती नहीं।
अभी आज फिर से मुझे ऐसा लगता है कि जगह खाली हो चुकी है। मैं पूरे दिल से मना रही हूँ कि बस मेरा केशो आ जाए, ये जगह मेरे केशो से भर जाएगी, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन वूमन हूँ, मैं काम को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, लोगों को नहीं। और जो मेरे दिमाग में लगता है मुझे उसको किस तरह से हटाना है, उड़ाना है, मुझे समझ में आता है। मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैं किसी के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही हूँ, पूरी दुनिया से लड़ रही हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे लिए मन में ऐसा सोचता है। अरे एक बार मुंह पे बोल दिया होता कि भाई नहीं, मुझे ये सब मगजमारी नहीं चाहिए, मैं ऐसे पलट के भी नहीं देखती। क्योंकि मैंने पहले भी वो कर दिया था, मैंने कभी बोझ डाला ही नहीं है, मैंने तो बचाया है, हर जगह से बचाया। लेकिन एक बात याद है, एक बात बोलूँगी, आज तक विद्या देवी का हाथ जिसने भी छोड़ा है ना, उसने हमेशा सिर्फ आंसू पाए हैं। क्योंकि जो ज़िंदगी विद्या देवी के साथ इंसान जीता है ना, मेरे घर में चाहे काम करने वाले हो चाहे कोई भी हो, जब विद्या देवी के साथ वो ज़िंदगी जीते हैं ना, तो आगे की ज़िंदगी जीना उनको भारी पड़ता है। उनको वो ज़िंदगी पसंद ही नहीं आती है कि वो ज़िंदगी वो पसंद आए। आज मैं ना अंदर से दुखी हुई हूँ, मेरी माँ ने मुझे पहले बोला तो अंदर से दुखी मत हो, क्योंकि जब तू अंदर से दुखी होती ना, सामने वाले के लिए महाकाल बन जाता है। और जहाँ तक जिससे मेरे बेटे के बाइक के साथ छेड़खानी की है ना, मैंने पहले भी कहा है, मुझ तक मेरे बच्चों तक आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। तो शायद मैं निकली हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ मैं कुछ ऐसा काम तो करके आऊँगी जिसकी वजह से दोबारा इंसान ऐसी गलती नहीं करेगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ लेने जा रही हूँ, वो चीज़ जब यूज़ होगी ना पूजे में, फिर मज़ा देखो क्या होता है, फिर याद रखोगे आप लोग कि क्या होता है। लेकिन आज दिल टूट गया। मेरे को एक ही बात है केशव के पापा से कि अगर सच में आप चाहते थे कि मैं मर जाऊँ तो बचाया क्यों, मैं ही बचाना चाहिए था। मरने देते वो आरिफ, देता रहता मुझे नशा में, लेती रहती, मर जाती, क्या फ़र्क पड़ता था आपको। मैं ये सोचती हूँ कि पहले घर वालों ने सोचा मर जाए तो मैं बच गई, फिर खुद के पति ने सोचा मर जाए तो बच गई, अब खुद के प्यार भी ये सोचता है कि मर जा तो मैं बच गई। लेकिन क्या करूँ, मैं मर जा के भी नहीं मर सकती ना, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो चलो न्यू जर्नी शुरू करेंगे। क्योंकि देखो मैं है ना हार मानने वालों में से नहीं, मैं ज़िंदगी जीने में बिलीव रखती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है, ऐसी ज़िंदगी पाने के लिए इंसान कितने जन्म पाता है, सोचता है जन्म मिले, और ऐसे अनमोल ज़िंदगी को खोना बहुत गलत है। एक बात है, मैंने जिसके लिए भी आज तक जो कहा है ना वो हुआ है। आज केशव के पापा को लगता है कि उनकी मैडम सही है, सब कुछ सही है, लेकिन एक दिन जब सच आएगा ना सामने, वो इंसान पछताएगा और बहुत बुरी तरीके से पछताएगा। अरे मैं तो उन्हीं के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हीं का नाम रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ये बच्चा हो जाएगा, उन्हीं का नाम होगा कि वो बाप बन सकते हैं, समझे। नहीं तो कल कोई तो है जो उन पे थूकेगा और उनका कॉलर पकड़ेगा, देखा तू बाप नहीं बन सकता था ना, इसलिए मैंने ये गलती की थी, इसके लिए मैंने ज़बरदस्ती तुझे किसी का बाप बना दिया था। ये लिख के लेना। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरती हूँ कि मेरे तक ये बात आएगी, मैं क्या करूँगी, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। क्योंकि फिर मेरा एक ही ऑप्शन है, DNA टेस्ट। क्योंकि जब कोई मेरा नहीं सोचता तो मैं किसी का क्यों सोचूं? अरे मैं तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए इतनी लड़ती आ रही हूँ, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ी, क्या ज़रूरत था मुझे आरिफ से लड़ने का, क्या ज़रूरत था मुझे पूरी गुराई से पंगा लेने का। लेकिन आज जब मेरी बाँ ने कहा ना कि भरोसे लायक, और मेरी बाँ ने ये तक कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इस आदमी को कभी मेरी समाधि पर मत लेके आना, इतनी बड़ी बात बोल दी, सोचो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस आदमी को मेरी समाधि पर मत लेके आना, और बाकी मुझे क्या करने का वो मैं लिखती हूँ। बस बुला रे, तू अच्छे से रहे, तू प्यार करती, मैं छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भरोसे लायक नहीं है आदमी, इतना बात बोल दिया। अब इसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, मैंने चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मैंने केशव के पापा को बोला तो बोलते तुझे क्या लगता है, तू हर बात गलत बोलती है, तो मैंने उनसे बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो बात काटने में बिलीव रखते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, सांच को आँच नहीं, एक दिन वो एक वक्त आएगा जिस दिन हर बार मैंने जो बोला है वही हुआ है, एक वक्त आएगा जब उनके सामने सच आएगा और उसके उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। बाकी बस मेरे मन का जहर था मैंने निकाला, क्योंकि जो बात मेरे को दिल में लग रही थी, कहते ना ऐसे YouTube पे बोल दो, किताब में लिख दो, तो मन का जहर हट जाता है। बाकी मेरी बात देखेंगी क्या है उनके मन में, वो करेंगी, और आज हम लोग शक्तियों का काम कर ही रहे। देखो ये कहीं ना केशव के पापा को भी सज़ा मिल रही है। मैंने कहा था ना 17-18 मार्च को जिसने मेरे साथ गलत किया था सबको सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलनी शुरू हो गई है, शुरुआत ही केशव के पापा से हुई है। क्योंकि छोड़ के तो वो भी गए थे ना मुझे 17-18 मार्च को, अपने दोस्त के कहने पे बहुत सारे झापड़ मारे थे मुझे, सज़ा तो उनको भी मिलनी थी। कहते ना गेहूँ के साथ तो घुन पीसेगा ही ना,
तो बस देखो अब मैं आऊँगी रात तक या कल सुबह तक, क्योंकि कल की पूजा पूरी करनी है, सामान लेने निकली हूँ। अभी भी आप लोगों को कहूँगी कोई साम शक्तियाँ चाहिए तो आप भी एक्टिव करवाइए, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। जय माता दी।